मैं रमेश चंद्रा आपको लेकर आया हूँ हार्बेरियम फाइल, जो आपकी इंटरमीडिएट जीव विज्ञान प्रैक्टिकल में सहायक है, क्योंकि तीन प्रैक्टिकल आपको रहते हैं, एक प्रोजेक्ट फाइल रहती है, एक प्रैक्टिकल फाइल और एक हार्बेरियम फाइल। उस फाइल का जो फ्रंट पेपर है, आप जो है इस टाइप से तैयार करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा। ये सामने जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये अंडा के हैं, और इससे हार्बेरियम फाइल का एक फ्रंट पेपर आप तैयार कर सकते हैं और अच्छा लगेगा। इसी में आगे कैसे हार्बेरियम फाइल को तैयार करना है, क्या क्या उसमें लिखना होता है, ये आगे आप देखिएगा इसी में। आप देख रहे होंगे सामने हार्बेरियम फाइल का सबसे पहला डायग्राम है ये, और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये रोज रोज का है, जबकि इसमें क्या क्या लिखना होता है। सबसे मेन चीज़ होती है तीन चीज़ें, क्या क्या, एक तो जेनरिक नेम जो यहाँ लिखा हुआ है इसका, और उसके बाद कॉमन नेम जिससे हम पुकारते हैं इनको, और एक फैमिली कि ये कौन सी फैमिली है। बाकी आगे की चीज़ें भी लिख सकते हैं आप, हैबिट है, लोकलिटी है, और ये कलर ग्रेड, तो इन्हें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी तीन ही चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, एक जेनरिक नेम, एक कॉमन नेम और एक फैमिली। तो ये रोज की है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये कृष्णा तुलसी का है ये पूरा, जेनरिक नेम, कॉमन नेम और फैमिली इसकी, और नीचे हैबिट्स और वो भी लिखी है इसमें। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये भी एक रोज है, रोज भी कई टाइप्स से होते हैं, ये दमक रोज, और आप देख रहे हैं इसका जेनरिक नेम, कॉमन नेम और फैमिली, और जबकि इसकी हैबिट और लोकेलिटी और कलर्ड लिखे हुए हैं। इसके बाद ये आप आगे देख रहे हैं पोटैटो, और इसका जेनरिक नेम भी है, कॉमन नेम और फैमिली। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं पीपल, पीपल का आसानी से मिल जाता है पत्ते। उसके बाद में धनिया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कहीं से भी आप लेके इसको तैयार कर सकते हैं धनिया को। इसके बाद गेंदा, ये तो बहुत ही जो है पॉपुलर चीज़ें हैं, इसका जेनरिक नेम, फैमिली और ये कॉमन नेम भी सब कुछ इसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद ये हिबिस्कस, हिबिस्कस आप जानते ही हैं, बहुत सारे तरीके से आपने देखा, जिसे गुड़हल भी कहते हैं। इसके बाद ओनियन, प्याज, हरी प्याज, जो अक्सर अक्टूबर नवंबर में बहुत कुछ देखने को मिलती है, हर जगह मिल जाती है आसानी से। इसके बाद ये मकोई, मकोई भी आपने आसानी से देखी है। एक चीज़ और भी ध्यान रखने की है, हम ऐसे पत्तों को और ऐसे पेड़ पौधों की टहनियों को चुनें जो हमें आसानी से मिल जाए। तो ये आपकी हार्बेरियम फाइल है, और इस फाइल को तैयार करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगी, और आपके प्रैक्टिकल में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे शुभकामनाएं आपके प्रैक्टिकल के लिए। ओके।